नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। सावधान, देहरादून समेत इन 7 जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट। उफान पर गंगा नदी। उत्तराखंड मौसम विभाग ने राजधानी देहरादून समेत टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जनपदों में भारी बारिश की संभावना जताई है। भारी बारिश से गंगा व सोलानी नदी उफान पर है। रविवार को गंगा का जलस्तर चेतावनी के निशान के करीब पहुंच गया है। पानी बढ़ने से गंगा के आसपास के खेतों में फसल जलमग्न हो गई है। कई गांव के संपर्क मार्गों पर भी पानी भर गया है। पानी बढ़ने से प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में आज है पेट्रोल और डीजल के दाम, जाने अपने शहर में रेट। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपए 22 पैसे, वही डीजल के दाम है 90 रुपए 25 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 39 पैसे, वही डीजल के दाम है 90 रुपए 50 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 44 पैसे, वही डीजल के दाम है 90 रुपए 58 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 62 पैसे, वही डीजल के दाम है 90 रुपए 75 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सीएम धामी की बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मुख्य सेवक सदन सीएम कैंप कार्यालय में हर घर तिरंगा अभियान के संबंध में विभिन्न संस्थाओं के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय भी जाएंगे। वहीं देर शाम सीएम धामी नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में वे उत्तराखंड सदन में रात्रि विश्राम करेंगे। अगस्त महीने में होंगे ये बदलाव। अगस्त का महीना शुरू हो गया। हर महीने की तरह इस बार भी अगले महीने से कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं। ये ऐसे बदलाव हैं जो सीधे आपकी जेब पर असर डालेंगे। इन बदलाव में गैस की कीमत, बैंकिंग सिस्टम, ITR, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम फसल बीमा योजना होने वाला अपडेट शामिल है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बदला चेक से पेमेंट का नियम। आज से बैंक ऑफ बड़ौदा में चेक से भुगतान करने के नियम बदले जाएंगे। RBI ने बैंक ऑफ बड़ौदा को गाइडलाइन जारी किया था। गाइडलाइन के अनुसार 5 लाख रुपए या इससे अधिक के अमाउंट वाले चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू कर दिया गया है। इसके तहत बैंक को चेक से जुड़ी जानकारी SMS, नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप से देनी होती है। गैस की कीमतों में बदलाव। हर महीने की पहली तारीख को LPG की कीमतें बदलती है। ऐसे में इस बार भी 1 अगस्त से गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव होने की संभावना है। कंपनियां इस बार घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव कर सकती हैं। पिछली बार कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता हुआ था, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो भरना होगा जुर्माना। अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो 1 अगस्त यानी आज से आपको जुर्माना भरना होगा। अब ITR फाइल करने पर लेट फीस देनी होगी। अगर आय करदाता की कर योग्यता आय 5 लाख रुपए या इससे कम है तो उसे 1000 रुपए लेट फीस के रूप में चुकाने होंगे। अगर टैक्स पेयर के टैक्सेबल आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसे 5000 रुपए लेट फीस देनी होगी। पश्चिम बंगाल में कैबिनेट मीटिंग। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 28 जुलाई को कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। इसके 3 दिनों के बाद ही 1 अगस्त यानी आज फिर से कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। इतनी जल्दी कैबिनेट की बैठक बुलाए जाने से कयासों का दौर शुरू हो गया है और इसके साथ ही मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें तेज हो गई हैं। बता दें कि शिक्षक भर्ती घोटाले के चलते ममता सरकार सवालों के घेरे में है। दिल्ली मेट्रो का ग्राहक संतुष्टि सर्वे। दिल्ली मेट्रो 1 अगस्त से 28 अगस्त तक ऑनलाइन ग्राहक संतुष्टि सर्वे का 8वां संस्करण शुरू करेगा, जिसके तहत दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्री ऑनलाइन सर्वे में भाग ले सकते हैं। यह सर्वे हिंदी और अंग्रेजी दो भाषाओं में होगा। इसमें मेट्रो की उपलब्धता और सुरक्षा जैसे कई मानकों पर प्रश्न पूछे जाएंगे। इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य मेट्रो की विविध सेवाओं और सुविधाओं पर यात्रियों की राय जानना है। छात्रों के अभिभावकों के खातों में पैसा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार इस बार कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को 1200 रुपए की धनराशि देगी। इससे छात्र यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा, स्कूल बैग और स्टेशनरी खुद खरीद सकेंगे। पैसे छात्रों के परिजनों या अभिभावकों के खातों में DBT के जरिए ट्रांसफर किए जाएंगे। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में पैसा भेजने की शुरुआत करेंगे। भूस्खलन के बाद धारचूला में 54 परिवारों को किया गया शिफ्ट। सेना ने संभाला मोर्चा। भूस्खलन के बाद धारचूला में 54 परिवारों को शिफ्ट किया गया। यहां सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रशासन इन सभी लोगों को रहने व खाने की व्यवस्था में जुटा हुआ है। सेना और SDF की टीमें लोगों के घर से मलबा हटाने और उनके सामानों को सुरक्षित निकालने के काम में लगी है। ऋषिकेश के नशा मुक्ति केंद्र में युवती से गैंगरेप, संचालिका पर लगे आरोप, FIR दर्ज। रुड़की की एक युवती के साथ ऋषिकेश के आवास विकास कॉलोनी में संचालित नशा मुक्ति केंद्र के अंदर गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देकर मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। पुलिस ने फिलहाल तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड COVID-19 ट्रैकर। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार फिर से बढ़ने लगी है। बीते 24 घंटे में 224 नए कोरोना मरीज मिले हैं। ऐसे में एक्टिव केसों की संख्या 1645 हो गई है। वही 132 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। बीते 24 घंटे में कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। सरकारी नौकरी के नाम पर बेरोजगारों से ठगे 1.5 करोड़, आरोपी महाराष्ट्र से गिरफ्तार।
एसओजी और थाना नहरुकला ने पुलिस ने 1.5 करोड़ की ठगी को अंजाम देने वाली 4 साल से फरार शातिर आरोपी महिला को मुंबई से गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी को मुंबई न्यायालय में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर देहरादून लाई। आरोपी महिला ठगी के बाद से ही मुंबई में ठिकाने बदल बदल कर रह रही थी। वह अपनी पहचान गुप्त रखते हुए एपटेक कंप्यूटर सेंटर में कंप्यूटर शिक्षक के तौर पर कार्य कर रही थी। खटीमा मैकेनिक आत्महत्या मामले में 5 सूदखोर गिरफ्तार। खटीमा में आत्महत्या के लिए मैकेनिक को उकसाने वाले 5 सूदखोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस मामले के में अन्य लोगों की भी जांच कर रही है। छोटा हाथ टूटा साथ। मजबूरी में बने खतरों के खिलाड़ी, जान हथेली पर रखकर नदी पार कर रहे स्कूली बच्चे। भारी बारिश से धापला गांव के समीप बहने वाली निहाल नदी इन दिनों उफान पर है, जिससे ग्रामीणों का संपर्क शहर से कट गया है। लेकिन विवशता देखिए, इन परिस्थितियों में भी छात्र छात्राएं और शिक्षक जान हथेली पर रखकर नदी पार कर रहे हैं, जहाँ जरा सी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। यूके SSSC पेपर लीक, नैनीताल CJM कोर्ट का कर्मचारी गिरफ्तार, अब तक 12 अरेस्ट। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक, घपलेबाजी का मामला एक के बाद एक गिरफ्तारियों के चलते लगातार बड़े स्तर के नेटवर्क तक पहुंचता जा रहा है। मामले की ताबड़तोड़ जांच कर रही STF ने अब नैनीताल CJM कोर्ट में कनिष्ठ सहायक पद पर तैनात महेंद्र चौहान को देर रात गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड STF की जांच के अनुसार काशीपुर में एक दिन पहले पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 2 पुलिसकर्मियों के नेटवर्क से नैनीताल कोर्ट का कर्मचारी महेंद्र चौहान भी जुड़ा हुआ था। आरोपी को देर रात तक STF की लंबी पूछताछ के बाद साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार अभी तक इस पूरे गोरख धंधे में क्या गिरफ्तारी और बड़े चौंकाने वाले खुलासे सामने आ सकते हैं। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो राज्य के बेरोजगारों, होनहार शिक्षित युवाओं का हक मार अन्य नाकाबिल लोगों से मोटी रकम वसूल कर सरकारी नौकरी में सिलेक्शन करने वाली बड़ी मछलियां भी कानून के शिकंजे में इस बार आ सकती हैं। हरिद्वार 2 साल बाद धूमधाम से मनेगा 112वां मुल्तान जोत महोत्सव, क्रिकेटर गौतम गंभीर होंगे शामिल। कोरोना के 2 साल बाद हरिद्वार में इस बार मुल्तान जोत महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। अखिल भारतीय मुल्तान युवा संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कि इस बार मुल्तान जोत महोत्सव में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव की झलक नजर आएगी। आगामी 7 अगस्त को हरिद्वार में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। पूर्व क्रिकेटर और दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर भी शोभा यात्रा में भाग लेंगे। पति ने 3 तलाक बोलकर रिश्ता तोड़ा, पीड़ित ने कराया केस दर्ज। वन भूलपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली एक महिला ने अपने पति पर 3 तलाक देने का आरोप लगाते हुए पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वही पीड़िता की तहरीर मिलने पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। विवादों के बीच UKSSC ने करवाई एक और परीक्षा, 23,000 से ज्यादा अभ्यर्थी हुए शामिल। विवादों के घिरे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने रविवार 31 जुलाई को मुख्य आरक्षी और पुलिस दूरसंचार विभाग की लिखित प्रतियोगी परीक्षा का संचालन किया। लिखित परीक्षा में 23,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। रामनगर वन आरक्षी पद पर तैनात महिला ने जहर खाकर दी जान। जोगीपुरा गांव में एक महिला ने जहर घटाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि महिला वन विभाग में वन आरक्षी के पद पर तैनात थी। वही पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बिंदुघत्ता में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से महिला की दर्दनाक मौत। हल्द्वानी के बिंदुघत्ता में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से महिला की दर्दनाक मौत हो गई। महिला की मौत के से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अचानक हुई महिला की मौत से गांव में शोक की लहर है। वही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हरीश रावत ने की फिर से पुष्कर सिंह धामी की तारीफ, अपने लगाए आरोपों को लिया वापस। प्रदेश में इन दिनों विपक्ष सरकार के मित्र के रूप में काम कर रहा है, बात चाहे प्रीतम सिंह की करे या फिर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की, सभी सरकार की हाँ में हाँ मिलाते दिखाई दे रहे हैं। इस कड़ी में ताजा नाम हरीश रावत का जुड़ गया। हरीश रावत ने कहा, पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में फिजूल खर्चों को दूर करने के लिए फैसले लिए हैं, वह अच्छे हैं, वे इसके लिए उनकी तारीफ करना चाहते हैं। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे लामबगढ़ में बाधित, दोनों तरफ लगा लंबा जाम। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लामबगढ़ में खचड़ा नाले में बीते 5 घंटे से अधिक समय से बंद चल रहा है। नाले में अचानक पानी बढ़ने के कारण हाईवे क्षतिग्रस्त हुआ है, जिस कारण हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं। लोग हाईवे खुलने का इंतजार कर रहे हैं। उधर ऋषिकेश में श्रीनगर के बीच भी हाईवे बाधित हो रहा है, जिसे देखते हुए रूट को मलेथा चाका गजा सड़क मार्ग से ऋषिकेश के लिए डाइवर्ट किया गया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।